के प्रति अटूट आस्था, उन्होंने वंचित गरीब व्यक्तियों के लिए सेवा की, पिछड़ों के लिए उन्होंने लंबा समय तक नेतृत्व किया। एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में एक ऐसे स्तंभ का नहीं रहे जिन्होंने जिंदगी भर गरीबों की हिमायत की, किसानों की हिमायत की। आज सारा देश दुखी है, हम सब भी दुखी हैं कि जिन्होंने समाज में एक लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अंदर जनता का विश्वास भरोसा जीता। खरके इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार पर यहां पर पहुंचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। आप यहां पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से याद कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को? देखो, मुलायम सिंह जी और हमारा बहुत दिन से पॉलिटिकली हम एक विचारधारा के हो काम करते हुए आए, और वो हमेशा गरीबों के साथ देते, और कोई भी गरीबों का प्रोग्राम होता तो हमको साथ देते थे, काम करते थे। उदाहरण के तौर पर एक ही बोलता हूँ, आर्टिकल 371 जे का एक मेरे एरिया के लिए एक समस्या थी, तब उन्होंने कहा कि अगर वोट कम गिरे तो मेरे पार्टी को दिलाता हूँ 2/3 मेजोरिटी के लिए, तब उन्होंने पैसा ही दिया और उस इलाके में आज वो कानून लागू हो गया। यानी जो कहते थे वो करने की उनमें क्षमता थी। और मैं जो यहाँ आया हूँ, श्रीमती सोनिया गांधी जी उनने कहा कि आप जाना चाहिए और मिलना, वो चुनाव तो चल रहा था, आपको मालूम है मैं पटना उधर था, कोई गाड़ी नहीं, लेकिन स्पेशली इसके लिए तुम जाओ और हमारे तरफ से एक श्रद्धांजलि अर्पित करना, तो इसलिए मैं उस श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक व्यक्ति खास करके सोशलिस्ट मूवमेंट से हमसे दूर हो गया।